और हमारी मौजूदगी वहां पर है जहां अब पूरी देश भर की निगाहें लगी हुई है। ये है उत्तरकाशी का वो स्पॉट जहां पर 41 जिंदगियां पीछे टनल में फंसी हुई है। मेरे वीडियो जैसे सहयोगी युगल ठाकुर दिखाएंगे कि आज आखिर नए सिरे से एक इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अब कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्मी के वो एक्सपर्ट जवानों की मौजूदगी, और पहली बार ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर, आर्मी का ये इक्विपमेंट अब यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। आर्मी का ये वो अब उपकरण है जिसकी मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, टनल में खुदाई आगे बढ़ाई जाएगी। और आर्मी की ये वो खास विशेषज्ञ जवान हैं जो इस काम के लिए लगातार जाने जाते हैं। मद्रास शेफर्ड्स के ये वो जवान इंजीनियर्स हैं जो देश भर में आपदा के समय इस तरह के काम को बखूबी अंजाम दे चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अब आर्मी की पहली बार यहाँ पर डिप्लॉय की गई मशीन को अब काम के लिए लगाया जा रहा है, और ये वो खास इंजीनियर्स हैं जो 1780 से, जब से इस रेजिमेंट की स्थापना हुई है, तब से वो इस काम को इंडियन आर्मी के लिए बखूबी अंजाम तक पहुंचाते रहे हैं। ये वो इंजीनियर्स हैं जो लगातार इस काम को इसी तरह से अंजाम तक पहुंचाते रहे, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक न्यूज 18 इंडिया पर। ये तस्वीर, ये एक उम्मीद की किरण वाली तस्वीर है। उम्मीद की किरण ना सिर्फ इन तमाम वैज्ञानिकों के लिए, यहां मौजूद विशेषज्ञों के लिए, बल्कि टनल के भीतर मौजूद उन 41 मजदूरों के लिए भी जो लगातार उम्मीद भरी निगाहों से सिर्फ दूरभाष के जरिए अभी लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं, हम लोगों के संपर्क कर पा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये है मद्रास शेफर्ड्स के वो जवान जो अपने इसी खास काम के लिए जाने जाते हैं। दरअसल मद्रास शेफर्ड्स इंडियन आर्मी का एक वो ग्रुप है जिसमें खास तौर की दक्षता विशेषज्ञता रखने वाले इंजीनियर्स की मौजूदगी होती है, और इनका काम होता है इसी तरह की आपदा के वक्त बखूबी सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम देना। उत्तरकाशी में जिस तरीके से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी टनल के जरिए, उस टनल में ही कुछ मजदूरों की जिंदगी का रास्ता रुक गया। लेकिन अब जबकि आज 15वां दिन चल रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, एक नए सिरे से एक नया काम पूरे जज्बे के साथ, और उसके लिए मैदान में उतर चुके हैं अब आर्मी के वो विशेषज्ञ जवान। और ये तस्वीर देखिए, ये एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज भी। आज पहली बार आर्मी के उस खास उपकरण को उत्तरकाशी में तैनात कर दिया गया है जो खास तौर पर इस काम के लिए माहिर है। हालांकि अब तक के तमाम अत्याधुनिक मशीनों को यहां पर लगाया गया, कुछ मशीनें जो विश्व स्तरीय थी, कुछ वैज्ञानिक जो विश्व स्तरीय काम कर चुके हैं, भारत में लगातार उनकी निगरानी में काम हो रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद की किरण भारतीय सेना के इन जवानों की ओर, क्योंकि ये वो जवान है मद्रास शेफर्ड्स के जो 1780 से, जब से कि ब्रिटिश कालीन इंडियन आर्मी में इस ग्रुप की तैनाती हुई है इन इंजीनियर्स की, ये परंपरा रही है कि ऐसी आपदा के वक्त वो आखिरकार, जैसे क्रिकेट में एक विनिंग शॉट लगाया जाता है, ये अक्सर उस तरह के काम के लिए माहिर हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। ये वो इक्विपमेंट है जो अब अपने मोर्चे पर तैनात हो रही है, यानी सीमा पर जो जवान देश की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे रहते हैं, अब वो अपने उस उपकरण के साथ यहाँ 41 जिंदगियों को बचाने के लिए तैनात हो चुके हैं। हालांकि सेना के जवानों की पहले से मौजूदगी है, सेना ने पहले भी बखूबी इसमें अपना भरपूर योगदान दिया है, लेकिन अब उनका एक विशेष निर्देशन, यानी कि एक स्पेशल डायरेक्शन है उनका, जिसके तहत उनकी मशीन तैनात कर दी गई है। और ये उनकी वो मशीन है जो तमाम उन 41 मजदूरों के परिजनों के लिए उम्मीद की किरण भी है, जो न्यूज 18 इंडिया के जरिए अपने घरों में बैठे टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि ये वो मशीन है जो अब एक विजयी शॉट लगा सकती है क्रिकेट की भाषा में। और अब जितनी खुदाई बाकी है, दरअसल पिछली जो मशीन का एक हिस्सा टूटा था अंदर, उसे काटकर बाहर निकाला जा रहा है, और उसके बाद मैन्युअली खुदाई होगी, जिसके लिए आर्मी के ये इंजीनियर्स बखूबी काम कर चुके हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार नजदीक से नजर बनाई हुई है यहाँ पर, इस वक्त हमसे जुड़ रही है। प्रियंका, आर्मी की इस मशीन की तैनाती एक नई उम्मीद की किरण, और अब ये माना जा सकता है कि जितनी डेडलाइन दी जा रही थी अगर वो झूठी साबित हुई, तो शायद अब वो समय आ गया है कि अब ये सच साबित होने जा रही है।
देखिए बिल्कुल तैयारियां जो है वो हर लेवल की हो गई है। सेना डे वन से इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा है। सेना की बीआरओ ने ही यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो बनाई हुई है। लेकिन पहले मैं ताज़ा तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखा दूँ इन ड्रिलर्स की। ये ड्रिलर्स जो यहाँ पर पहुँच गए हैं, ये दो ड्रिलर्स दिख रहे हैं जो कि ड्रिलिंग मशीन का पार्ट है। ये दो ड्रिलर्स की तस्वीरें हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ड्रिलर्स भी यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, यानी कि लगातार जो हम कह रहे हैं कि पांच मोर्चों से एक साथ ये जंग लड़ी जाएगी। उसमें दूसरा मोर्चा जिसको वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं उसके लिए तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में जो लाइफलाइन पाइप डलनी है, जो कि एक 6 इंच या 8 इंची पाइप डलेगी, जो कि एक एडिशनल पाइप होगी जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा लेकिन वो भी कनेक्शंस के लिए मजदूरों के साथ बनेगी, उसका काम भी शुरू हो गया है। और ऐसे में ये ड्रिलिंग जो मशीन्स के पार्ट हैं, ये जो ड्रिलर्स हैं, ये इतने लंबे ड्रिलर्स जो देख रहे हैं कि एक बार में अगर ये ड्रिलर इंसर्ट हो जाए तो आधे से ज़्यादा दूरी जो है वो एक बार में निपट जाएगी। तकरीबन 88 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो वर्टिकल तौर पर होनी है ऊपर के स्पॉट से। ऐसे में वहाँ बताया जा रहा है कि लाइफलाइन पाइप को लेकर लगातार काम भी तेज़ हो गया है। लेकिन इवैक्यूएशन जिसकी हम बात करें, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि मजदूरों को वर्टिकली खींचने का काम क्या होगा, उसके लिए भी ये तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं। और आज जैसे कि हम लगातार बोल रहे हैं आर्मी की, जब आपने बात की तो देखें आप, आज आर्मी के भी जो जवान हैं वो लगातार हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक्टिवनेस जो है वो बढ़ गई है। ये मद्रास सैपर्स के इंजीनियर्स सिविलियंस के साथ मिलकर, जो ऑलरेडी एक्सपर्टीज रखते हैं इस पूरे डिपार्टमेंट में मैनुअल ड्रिलिंग में, उनके साथ मिलकर मैनुअल ड्रिलिंग का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल जानकारी आ रही है कि बहुत कम हिस्सा, तकरीबन 14 मीटर का हिस्सा सिर्फ लेकिन रह गया है। एनडीएमए की ओर से आखिर अब इस मिशन के बारे में क्या वो सटीक जानकारी है जो दी जा रही है, जिसकी ओर पूरी देश भर की निगाहें, दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। चार और जरिए थे और एक आप समझ लीजिए पांचवा भी और एक है। पांचवा जो था वो है ड्रिफ्ट वाला तरीका, जो ड्रिफ्ट जो साइट के टनल से खनोच के स्क्रेप करके जो निकालना है, मगर क्योंकि वहाँ पर फूड पाइप जो है 6 इंच का बना हुआ है, 4 इंच वाला भी वहीं पर है और ऑगर का रास्ता भी वहीं पर है, तो उसके साथ ज़्यादा डिस्टर्बेंस करना नहीं चाह रहे थे कि अगर एक साथ इतनी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी वहाँ तो शायद कोई पाइप वहाँ पर कोलैप्स हो जाए। तो ड्रिफ्ट वाला तरीका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो ऑप्शन आपके पास है। और साइड की ड्रिफ्ट शुरू करने के लिए तैयार रहना है, टॉप डाउन ड्रिलिंग की तैयारी करनी है और मेरे ख्याल में अगले कुछ एक या दो दिन में, शायद उससे पहले, इसकी भी ड्रिलिंग शुरू हो जाए। और जो अंदर हमारे भाई हैं, 41 भाई वहाँ पर जो हैं, उनको स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है, उनका मानसिक जो हालत है उसके ऊपर हर वक्त निगरानी रखनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चल सकता है।